प्रोफेशनल प्रो कबड्डी लीग में ये टीम बेहतर जयपुर टीम से खेलते हैं। पंद्रह नंबर दर्शी में साहिल रेडर अच्छे रेडर फुर्तीले रेडर अच्छी कोशिश दर्शी में रवि कुमार हेड पर और टैच कर दिया शानदार है अच्छा स्कोर पांच नंबर दर्शी से एक डालते हुए रेडर और शानदार की राजस्थान पुलिस से अच्छी कलकारी है अच्छे पावरफुल रेडर है और इनका मैन अटैक है जो आगे रनिंग हैंड टच है चौगान स्टेडियम अभी खाता खोलने के प्रयास और ये राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी हैं और ये लंदन में खिलाड़ी ही आगे चार्ज ना करें ये मईपाल सिंह और शानदार के ये चौगान स्टेडियम का जलवा बनाई है एक नंबर दर्शी में हल्के फुल्के रेडर लेकिन बहुत स्पीड है अच्छी टोटल राजस्थान पुलिस के होनहार खिलाड़ी जो भविष्य के अच्छे स्टार बन सकते हैं चौगान स्टेडियम के रेडर रेड पर लेफ्ट साइड से रेड डालते हुए राजस्थान पुलिस के दोनों रेडर एक लेफ्ट साइड का रेडर एक राइट साइड का रेडर लगातार मतलब अगर एक टीम में दो साइड के दोनों ही साइड के अच्छे रेडर हो तो अपोनेंट को सेटल होने का मौका नहीं देते अच्छी जयपुर चौगान और चौगान मदरसी में रेड पर बहुत छोटी उम्र है अभी अभी इनकी सेवाएं शानदार टाइम साहिल पंद्रह नंबर दर्जी में रेड पर कवर पर अच्छी ट्राई फिर अच्छी कोशिश आगे रनिंग बोनस का प्रयास लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए अच्छे रेडर हैं फुर्तीले रेडर हैं पूरा ग्राउंड कवर करते हैं आगे रनिंग हेड टच का प्रयास पांच के डिफेंस में गंडी पकड़ दो गंडी रेड पर अच्छे रेडर हैं तो इनकी मैन ताकत है अच्छा वेट के साथ पूरे पावर से स्पीड बनाते हैं और ये राजस्थान पुलिस से कुछ करना ही होगा सॉरी जयपुर का जयपुर टीम का डिफेंस करते हुए दो नंबर दर्जी में कॉर्नर पर है करने
और ये कैच कर लिए गए और चढ़ते हुए और ये महिपाल में लगातार तीसरी ओपोनेंट उस पर हावी हो जाता है। महिपाल एक अच्छा रेडर है, ये नहीं है कि वो, लेकिन लगातार तीन कैच बनाने में कामयाब रही चौगानों की टीम। ग्यारह नंबर जर्सी में रवि कुमार रेड पर अच्छे खुटी में रेडर है और जयपुर के टीम और ये शानदार कंवर कुमार रेडर रेड पर लगता है चौगान स्टेडियम धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है और निश्चित रूप से दर्शकों को एक बहुत शानदार मैच देखने को मिलेगा। जर्सी नंबर एक में कपिल रेड पर काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और राजस्थान पुलिस में चयन होने से पहले ये चौगान स्टेडियम की ही धरोहर है, ये चौगान स्टेडियम का ही खिलाड़ी है, वहीं से तैयार होकर राजस्थान पुलिस में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चौगान स्टेडियम वंदे मातरम क्लब का ये खिलाड़ी अच्छा प्रयास, चार के डिफेंस और पांच के डिफेंस में स्कोर करना सबसे हार्ड होता है क्योंकि आपको डीप जाना पड़ता है और कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। अच्छी और अपना जलवा निश्चित रूप से दिखाएंगे, निश्चित रूप से उसमें कोई दोहराएगा और ये इस मैच में साबित भी करेगा और ये बॉनस अटैम्प्ट करने में कामयाब। महिपाल सिंह शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सादो स्पोर्ट्स बीकानेर का ये होनहार खिलाड़ी जो अभी राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है, शिक्षा विभाग के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि ये एक स्टैटिस्टिकल केस कि उस जगह से हटकर आप ऐसी जो आपको हटकर सोचने को मजबूर करती है कि जो रूटीन में चल रहा है उससे कुछ ऐसा करें जिसकी कोई सोच भी ना सके। महिपाल रेड पर पांच के डिफेंस है डिफेंस के सामने अच्छा रेडर अच्छा प्रयास करते हुए हर स्टेप पर अपने को चेक कर रहे हैं, बिल्कुल हर पॉइंट पर इस खिलाड़ी का काउंट और दर्शी में राजस्थान पुलिस से भी राजस्थान पुलिस कुछ तालियां बटोरे शांत स्वभाव को खिलाड़ी किसी भी कंडीशन में हो ये खिलाड़ी हमेशा अच्छा रहता है। और कवर पर अच्छा कैच चौगान स्टेडियम और पता है अच्छा और शानदार से प्रोत्साहित होकर हमारे बंदे मुंडे जो नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं वो इससे निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे कि हम भी ये मुद्दा हासिल कर सकते हैं कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। कमल किसको स्कोर लेने में काम है पांच नंबर जर्सी में मनीष रेड बहुत फुर्तीले रेडर है बहुत पैसेंजर है। महिपाल फिर से रेड पर
में केवल शानदार टोटल क्या जलवा दिखाया इस खिलाड़ी ने, शानदार टोटल। बोनस के लिए गए जैसे ही सेकंड में एंकल होल्ड के लिए तैयार हुए, मतलब वजन जब अगले पांव पर आया उसी समय टोटल, मतलब इसके नहीं कर सके। और इसी तरह साहिल फिर से के जोकर चार नंबर पर रखी में बहुत शान स्कोर 19-9, 10 पॉइंट से राजस्थान पुलिस टीम लीड बनाई। अच्छी बॉलिंग बिल्कुल हल्का फुल्का रेडर फिर से महिपाल एक पर पांच नंबर जर्सी में चौगानी स्टेडियम जयपुर का रेडर रेड पर कमल किशोर रेड पर चार के डिफेंस में रेड डालते हुए गजब 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 और दो पॉइंट जाने चौगानी स्टेडियम जयपुर हल्के फुल्के खिलाड़ी लेकिन जबरदस्त फुल्की बहुत अच्छी इसकी अगर आड़े आ रहा है तो केवल वजन, यही मूवमेंट अगर 10 किलो ज्यादा वजन में हो तो नजारा कुछ और। दो पॉइंट लाने में कामयाब रहे राम कुमार चार नंबर राशि में अच्छा कॉर्नर देते हैं राइट कॉर्नर स्पेशली रेड कॉर्नर और कपिल भी से पीछे से कॉर्नर परस्यूट के लिए आ रहा है, अपने आप को रोका और उसको अटैक में कप्तान किया। कॉर्नर लेना पड़ा परिणाम का है आगे की कहानी है, लेकिन कम से कम राजस्थान अंदर
पाकिस्तान पुलिस की टीम मजबूत है, इसलिए सभी बच्चों का पक्ष ले रहे हैं। काफी संघर्ष किया इस खिलाड़ी ने, काफी परीक्षा ली है। कहीं भी सिर मूवमेंट नहीं करता और यही एक खासियत होती है, क्योंकि अपर बॉडी जितना कम मूव करेगी उसका बैलेंस उतना तगड़ा होगा। ये कबड्डी का एक सामान्य बेसिक, आपका अपर बॉडी इसमें रहता हो, लोअर पार्ट से फुटवर्क चलते हो, दोनों पांव चलते हो, एरिया कवर करते हो, तभी आप अच्छे अटैक के बाद अच्छा फॉलो थ्रू कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। और ये मेंडर रीड की टच रेट है मणिपाल सिंह। बेसिकली चूर धीरे के रहने वाला ये खिलाड़ी बहुत शांत स्वभाव का, 7 मिनट का गेम और बचा है अभी, बालिका और तैयार है। बालिका रेडर आया आगे रनिंग में, रनिंग बोनस के लिए तैयार, लेकिन पीछे से अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी तैयार। गजब की स्किल है, अच्छा कवर को खेल रहा है और इंतजार कर रहा है सामने वाला कोई गलती करे और ये इंतजार में कामयाब। निश्चित रूप से 2 पॉइंट रेडर मित्र धरती पर इस सत्यवादी शिरोमणि की इस पावन कथा पर हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब बैठे हैं और एक अनेक कबड्डी के कार्यों को संपादित कर रहे हैं। और सामने कॉर्नर पर महेंद्र मीर और इसी गांव के रहने वाले दो भाई रंजीत धोलिया और सुभाष धोलिया, इस समय से इस प्रयास में राजनीति से हटकर हो, सबके हित में हो और वर्तमान युग की जरूरत हो, क्योंकि खेल से बड़ा कोई मेला नहीं होता, क्योंकि ना उसमें कोई जात पात होती है, ना कोई धर्म होता है, खेल और खिलाड़ी की इज्जत है। उसमें छुआछूत का तो नामो निशान भी नहीं होता है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट भी करना होगा। और ये महिपाल ने अपना जलवा दिखाया और तीनों के तीनों को आउट करते हुए तैयार है, लेकिन महेंद्र मीर पहले बाल तीसरे रेट पर मैच अंतिम क्षणों में चलता हुआ। पांच नंबर जर्सी में और महेंद्र की फिर भी कामयाब, और हम पहले बात कर रहे थे कि इस प्रतियोगिता को करवाने की जैसे सोची तो उसकी थोड़ी सी कहानी को मैं और इस नई कोशिश में गांव के बच्चे बच्चे ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति सहयोग में देखा। यहां के शुरुआती दौर में स्टेडियम का राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस पहुंचा रही।